अभी दिसंबर के महीने में एक बार और खत्म हो चुका होगा, जनवरी में दो बार। सर बताइए ऐसा बार की कितना बार आप बटन दबा देते हैं, पूरा फोन बज जाता है। दुकानदार आदमी सच बोलेगा, तुम दुकान ना करना, नौकरी करना, दुकान न चला पाओगे तुम। तुम 20 रुपए का सामान खरीद के लाओ, बोलोगे 20 में है, ग्राहक बोलेगा 18 में दे दो, तो साल भर में लुटिए दुकान की, डूब जाएगी। क्यों चाहिए 10 का सामान बोले तब 30 ना बोलेंगे, जहाँ 30 बोलेंगे तब ग्राहक 15 में आएगा, तो वही 5 बचेगा ना। अगर हम 20 का लाया, 20 का बताया, तो ग्राहक ने आधा कराया, तो हमारे तो काम खत्म। 80 का कराया ही कराएगा, कल मैं आपको अगला चैप्टर, जो पहला चैप्टर क्या है ठीक है ना, उसमें हम जो थ्योरी हमने पढ़ाई थी ठीक है ना, उसके क्वेश्चन हम पूछेंगे। थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी बस ना, अब चाहे लिखित में पूछ सकते हैं, ओरल भी पूछ सकते हैं। सर ओरल क्या लिखा है, ओरल क्या, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टनरशिप के एडवांटेज क्या है, कल थ्योरी पे बात होगी केवल। पंडित जी मुहूर्त निकाल दीजिए, लेकिन फिर रिवीजन कब होगा। हर बार मैं ही बताता रहा हूँ, पेपर मेरे को देने थोड़ी जाना है, पेपर देने किसको जाना है, तो बताएगा कौन, दो बार बता दो तुझको। जो परसों के लिए देंगे वो बोलोगे पूरा हो गया, एक दिन चोरी एक दिन निमर कर, कितना हो गया, 20 दिन लगेगा, 20 दिन क्योंकि 10 चैप्टर, तो 20 दिन लगेगा ना। इसे तो बोले एक दिन का गैप दे, जो भी पता है एक दिन का गैप, पहले कल तैयार कर जाओ, कितना तैयार होता देखते हैं। चलो एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस हो गया, चलो डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका डिफरेंस बता दिया था ना, बता दिया था। अरे ये चीज देख लिया, नहीं बताया था अथॉरिटी का, बताया था क्या, नहीं सर डिफरेंस कहां बताया, डिफरेंस नहीं बताया। चलो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या डिफरेंस है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, सबसे पहला मीनिंग हम लोग ऐसे लिखेंगे पेपर में, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी,
तो पहला डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्या है? वेयर द सुपीरियर गिव द अथॉरिटी टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, इट इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. एंड डिसेंट्रलाइजेशन मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन स्मॉल मैनर, ये स्मॉल पार्ट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन में क्या होगा? डेलीगेशन हर चीज के लिए हो जरूरी नहीं है, हर काम को किसी को हम अलॉट ही करें, उसको उसकी अथॉरिटी दे. ये काम पे डिपेंड करता है, हम किसी पर्टिकुलर काम को किसी पर्टिकुलर ग्रुप को हम दे रहे हैं अथॉरिटी की तुम इस काम को कंप्लीट करो. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसमें पहले से मालूम है कि इस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर हम इसको बांटेंगे, वो डिसेंट्रलाइज है, बटा हुआ है पहले से. जस्ट लाइक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ काम पहले से डिसाइडेड है, ये मतलब ये काम डिसेंट्रलाइज है, ये उसी के मध्य आएगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना. जैसे अगर आईएएस और आईपीएस के की भर्ती करनी है तो वो कौन करेगा? स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट. फिक्स आईएएस और आईपीएस का एग्जाम दिल्ली गवर्नमेंट कराएगी, और वो जिनको सेलेक्ट करेगी वो अपने हिसाब से पोस्टिंग देगी किसको किस स्टेट में भेजना है. लेकिन उससे जूनियर की जो पोस्ट है, कलेक्टर और एसपी से जूनियर की जो भी पोस्टें हैं, वो सब कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. यानी वो ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज है वर्क. और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर काम को हमने किसी पर्टिकुलर ग्रुप या पर्सन को अथॉराइज किया कि तुम ही इस काम को करोगे. जस्ट लाइक वो जो अपन बार बार एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं इस चैप्टर, उत्तराखंड वाला बच गए ना, वो काम क्या था? डेलीगेशन ऑफ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. उस काम पे क्या किया गया? कुछ ऑर्गेनाइजेशन को पावर दे दी गई कि तुम्ही को ये काम करना है, तो दिस नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं लगा, डेफिनेशन बन जाएगी. डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेफिनेशन बना लोगे. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स द सीनियर गिव द अथॉरिटी या द ऑनर गिव द अथॉरिटी टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और पर्सन डू अ पर्टिकुलर वर्क इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द वर्क इज डिवाइडेड बिटवीन पार्ट्स, डिवाइडेड इन पार्ट्स इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. काम को आपने बांट दिया. सेकेंड क्या है? सेकेंड इसमें पहला वाला जो है वो सेकेंड बना, नेचर मीनिंग तो लिखा ही नहीं ना इसमें, बुक में मीनिंग नहीं लिखी हमने, इसे बनाया सेकंड लिख दिया, चलो इसको भी ले लो. क्या है डेलीगेशन का स्कोप? क्या है डेलीगेशन वाला काम? बहुत लंबा चलेगा कि छोटा चलेगा? एक बार चला काम खत्म. इसका स्कोप क्या है? शॉर्ट या नैरो? और इसका वाइल्ड या लॉन्ग? स्पेलिंग बोल जल्दी से. ठीक, आगे बढ़े चलेगा. सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस पहले ये बताओ. है इम्पोर्टेंस, लेकिन इम्पोर्टेंस से थोड़ा ऊपर, इम्पोर्टेंस से ज्यादा, जिसके बगैर काम नहीं चल रहा. लाइन छोटी हो गई. तो क्या लिखा है? डेलीगेशन इज मींस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, इट इज ऑलमोस्ट एन एसेंशियल टेक्निक बिकॉज अ मैनेजर कैन नॉट डू द एवरीथिंग हिमसेल्फ. और ये देखो, डेलीगेशन इज फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, द टॉप मैनेजमेंट मे और मे नॉट अडॉप्ट. डेलीगेशन में क्या है देखो, सिग्निफिकेंस इसका क्या है? इसका सिग्निफिकेंस कब है, इसकी जरूरत कब है? जब मालूम है कि कोई पर्टिकुलर काम यही बंदा कर सकता है, अगर हमारे वो जूनियर उसी को आता तो हम उसको पावर देंगे. ये क्या है? ये ऑनर के ऊपर है, चाहे तो बांट दे चाहे तो ग्रुप में ऑलरेडी है डिवाइडेड वो करते थे. इट इज क्या कर रहा है?
तब जरूरत होगी तभी इसका यूज होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जहाँ जरूरत है वहीं पे आप अथॉरिटी देके भेजते हो। सब जगह अथॉरिटी देके हम किसी को नहीं भेज देते, बट इट डिपेंड ऑन टॉप, ये टॉप मैनेजमेंट पे डिपेंड है कि वो डिसेंट्रलाइज करे या ना करे। सिग्निफिकेंस ये, सिग्निफिकेंस मतलब आवश्यकता या इम्पोर्टेंस। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस पे डिपेंड है? मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि क्या काम डिसेंट्रलाइज होगा, क्या काम डिसेंट्रलाइज नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है, जब उसको नीड महसूस होगी वो अथॉरिटी दे करके उससे काम करा लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम। अब जो क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से। इट रिक्वायर्ड रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑन सबऑर्डिनेट। ध्यान से समझना, इसको फ्रीडम केवल कहां तक है? अपने काम तक। काम खत्म, फ्रीडम खत्म, ये फुल्ली फ्री है। यानी उसको कुछ हिस्से तक की फ्रीडम है, कितनी उसके बाद जितना काम उसको पावर दी गई है वहीं के लिए वो फ्री है। नॉर्मली वो फ्री नहीं है, यहाँ नेचुरल नॉर्मली ही फ्री है वो। ऑलरेडी उसको मालूम है उसको क्या काम करना है, उसके अलावा उसके बाकी काम है तो उसको मतलब। नेक्स्ट कंपल्शन, कंपल्शन कंपल्शन नहीं, कंपल्शन। देखो देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन एट एवरी लेवल एंड इट मे और नॉट। ये यहाँ पर आप दे रहे हो अथॉरिटी, ये कंपल्शन है कि आपको देना ही पड़ेगा, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप डिसेंट्रलाइज करो, जरूरी नहीं। आप चाहते हो सेंट्रलाइज कंट्रोल रहे तो सेंट्रलाइज कंट्रोल रहेगा, आप अथॉरिटी नहीं बांटना चाहते। फिर प्रोसेस, ध्यान देना इंडिपेंडेंट। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, फॉर डेलीगेशन डिसेंट्रलाइज इज नॉट नेसेसरी, यानी ये है नॉट डिपेंड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। ये अपने आप में फ्री है, चाहे तो डिसेंट्रलाइजेशन करे चाहे तो ना करे। लेकिन यहां पर क्या है, इट डिपेंड ऑन डेलीगेशन ऑफ, ठीक है ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे डिपेंडेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगा। दूसरों को काम देकर के भेजेगा कि तुमको उस काम को कंप्लीट करना है, एंड फुल्ली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर। देखो ये भी रिस्पॉन्सिबल है बट ट्रांसफरेबल, यानी अपनी जिम्मेदारी लोगों में बांट सकते। डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज क्या है, इसमें तो उसी को पावर है, उसी को करना है, दूसरों को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, तुम मेरे बदले ये काम करो। जैसे टीचर को अथॉरिटी, मान लो गवर्नमेंट ने किसी प्रिंसिपल, किसी बंदे को प्रिंसिपल बना के किसी स्कूल में भेजा, तो उसको अथॉरिटी देके भेजिए ना कि तुमको प्रिंसिपल ही करनी है, प्रिंसिपल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, उसके पावर मिली हुई है उस काम को उसको करना है, वो अपनी जगह दूसरे को प्रिंसिपल बना के ना बैठा देगा।
मानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन में आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग टीचर को असाइन कर सकता है कि तुमको इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, अल्टीमेट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए। तो दिस इज ओवरऑल ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये डिफरेंसेस हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग, इसकी फोटो खींचो। काम डिसाइड हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, देखो उनको वही सब्जेक्ट पढ़ाना है, उनको दो पढ़ाने, आपको तीन पढ़ाने, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे भाई। यही चैप्टर हम कॉलेज में पढ़ाए, हमें एक टॉपिक के आराम से एक घंटा बोलेंगे, केस स्टडी बोलेंगे, बकवास करेंगे, काम बहुत मटेरियल होता है, खजाना बहुत होता है, आज भटकना चाहे तो कहाँ कहाँ चला जाता है, यही होता है। जब मालूम है कि अभी घंटा पूरा हो ना पाए, एक टॉपिक खत्म हो गया तो फिर केस स्टडी निकालो, विश्वास निकालो, खींचना पड़ता है। चलो अगला क्या है, स्टाफिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग, अभी आपने क्या पढ़ा था, प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजिंग, इन दोनों का आपने क्या किया, पहले तो हमने प्लान किया जब वो क्या काम कंप्लीट करना है और उसके लिए हमको क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा, यानी कितनी अलग अलग पोस्ट चाहिए, कितने अलग अलग प्रकार के लोग चाहिए, कितनी मैथ मतलब किस स्किल के लोग चाहिए, ये यहाँ डिसाइड हो गया। कितने लोगों को हम अथॉरिटी देंगे, कितने हम डिसेंट्रलाइज करेंगे, कितना सेंट्रलाइज करेंगे, ये नंबर ऑफ पीपल आइडेंटिफाई हो गए, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल लेके मान लो हमको कॉलेज खोलना है, तो पहले आप प्लानिंग करेंगे कॉलेज ओपन करना है, कौन कौन सा कोर्स खोलना है, जब कोर्सेज आइडेंटिफाई हो गए, ये प्लानिंग बन गई, देन वी डिसाइड ऑर्गेनाइजेशन, कितने कोर्स है तो कितने सब्जेक्ट होंगे तो कितने टीचर रखने पड़ेंगे, प्यून कितने होंगे, गार्ड कितने होंगे, सिक्योरिटी पे क्या कितने लोग होंगे, अकाउंटेंट कितना होंगे, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में ये सब अभी कागज पे है, अब ये स्ट्रक्चर किस पे आएगा, स्टाफिंग के थ्रू लोग आएंगे, यानी द प्रोसेस टू रिक्रूटिंग द पीपल इज नोन एज स्टाफिंग, यानी लोगों को अपनी संस्था में चुनने की प्रक्रिया को स्टाफिंग कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे स्टाफिंग को, लोगों को काम पे रखना, सिंपल डेफिनेशन क्या बोली, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग द पीपल, लोगों को काम पर रखना या उनका चुनाव करना ही स्टाफिंग कहलाता है। अब इन्होंने बड़े बड़े राइटर हैं भैया, विद्वान लोग हैं, उन्होंने अलग अलग दिए डेफिनेशन, है ना। स्टाफिंग इज अ फंक्शन प्रिटेंड्स टू द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन डेवलपमेंट ट्रेनिंग कंपनसेशन फॉर सबॉर्डिनेट मैनेजर। अब स्टाफिंग को अगर एक सिंगल लाइन बोली ना, तो वो सीधा सीधा क्या हुआ, लोगों को रख लेना स्टाफिंग, यहाँ एक वर्ड बोला, इन्होंने क्या बोला, खाली रख लेना भर नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस सेलेक्ट करना, ट्रेंड करना, उनको रेगुलरली इंटरटेन करना, इंटरटेन करना मतलब कपिल शर्मा शो ना करवाना, ट्रेनिंग अलग हुई और इंटरटेन करने का मतलब वर्ड होता है उनकी कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको कंपनसेट करो, मतलब उसको सॉल्व करो, कोई इशू सर, तो उसको एक नॉर्मल वर्डिंग में क्या बोल देते हैं, एंटरटेन का,
जैसे एचआर है मान लो कहीं, तो अब उससे दिन भर लोग मिलने आ रहे हैं, तो एचआर ने नोटिस लगा दिया वी कैन नॉट एंटरटेन द दिस टाइप ऑफ वर्क, प्लीज कॉन्टेक्ट जूनियर एचआर। इट मीन्स जो 100 प्रॉब्लम लेके लोग आ रहे हैं उसमें से 70-80 प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन जूनियर कर सकता है, तो उसके लिए सीनियर का टाइम क्यों करवा दो? सेम प्रिंसिपल है, हर बच्चा सीधे प्रिंसिपल के पास जाएगा तो दिन भर प्रिंसिपल बकवास ही सुनता रहे। तो प्रिंसिपल ने क्या बोल दिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, 90% प्रॉब्लम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास खत्म, जो ऐसी प्रॉब्लम है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सॉल्व नहीं कर सकता वो प्रिंसिपल के पास जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं कि हम किसको एंटरटेन करेंगे किसको एंटरटेन नहीं करेंगे, किसकी समस्या सुनेंगे किसकी नहीं सुनेंगे। दिस इज ऑल्सो अ वर्क ऑफ स्टाफ। एंड लास्ट स्टाफिंग का एक और काम क्या है, वो भी स्टाफिंग में रखने से लेकर निकालने तक या निकालना वर्ड नहीं उसका रिटायरमेंट तक सारा वर्क स्टाफिंग की कैटेगरी में आता है। बीच में उसको ट्रेनिंग भी होगी, बीच में उसका डेवलपमेंट भी होगा, बीच में उसका प्रमोशन भी होगा, सारी प्रोसेस स्टाफिंग में इंक्लूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, अच्छी स्टाफिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। ये किसका काम है, मैंने मैनेजरियल फंक्शन लिख करके मैनेजमेंट फंक्शन लिख दिया, ये मैनेजमेंट का काम है, स्टाफिंग सब कुछ नहीं करता। ले क्या ठीक है, ये किसका फंक्शन है, मैनेजमेंट का, यानी फोन करेगा मैनेजमेंट करेगा, हर व्यक्ति अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूं अगर कि मेरे को अपने डिपार्टमेंट में एक आदमी रखना है तो मैं खुद बुलाऊं फाइनल करूं और जॉब दे दूं, ये मेरे पावर में नहीं है। सर ऐसा कब से होगा, ये किसके पावर में, एचआर ह्यूमन रिसोर्स, एचआर मैनेजर जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसका काम होता है लोगों को रिक्रूट करना। हां सर, तो वो मेरा काम नहीं है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूँ, कोई मेरा रेफरेंस में है तो उसके रिज्यूम को डायरेक्ट वहां सेंड कर सकता हूँ कि इनका इंटरव्यू ले लो, अगर आपको लगता है तो रख लो। सो इट इज कॉल्ड, इट इज अ वर्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट या एचआर, ठीक है ना। सेकंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ये तो हर जगह है, लगातार चलती रहती है, क्यों, लोग आते रहेंगे तो जाते रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे को 14 ईयर हो गया बिट्स में, जो मेरे टीचर्स हैं वहाँ पे है ना, वो क्या बोलते हैं, सब कोई छोड़ के जाता तो आपको दुख नहीं होता, बोले क्या करें, दोस्त तो आते जाते हैं, आना जाना लगा रहेगा। आप नहीं आते ना, हमको दूसरी जगह मिल रही कितने याद आने का एक ही फंडा होता है कि मान लो कभी आप आज से 3 साल बाद ऐसा होता है, 5-5 साल बाद लोग फोन करते हो, सर हमारा सीए निकल गया, मिठाई लेके आ रहे हैं, घर में है, नहीं तब क्यों याद आ जाता है, नंबर सेव है। अगर आपने नंबर नहीं बदला तो मैं आपको नाम से बुलाऊंगा, तो शहर बदल दिया तो मैंने तो 15 साल में नहीं बदला ना, अगला नीडेड ऑल मैनेजरियल लेवल, ये हर लेवल में होगा, खत्म हो गया
भाई स्टाफिंग की जरूरत हर लेवल पे। कितने लेवल होते हैं? टॉप, मिडिल, लोअर। तीनों लेवल में आपको स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी, तो क्योंकि आदमी तो हर जगह काम करेंगे ना, मशीन थोड़ी करेंगे। नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग किसको करेंगे? आदमी को करेंगे। ठीक हो गया। अरे वो ये ही था, लेकिन वो थोड़ा मुंह खोल लिया था, नहीं लगने लगा। ऐसे वो क्या कहते हैं, क्या बनाते हैं, ए को यू की तरह बनाते हैं। इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग बोले सर ए है तो वो नहीं। अच्छा बताओ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? जिस जगह पे प्लांट लगता है कोशिश ये होती है कि वहाँ के लोकल लोगों को जॉब मिले, दैट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर आपने नरेंद्र मोदी मूवी देखी हो तो जब रतन टाटा को अपने वहाँ बुलवाया था कि हमारे यहाँ नैनो का प्लांट लगाओ, तब रतन टाटा ने पूछा कि आप हमको क्यों बुला रहे हो, क्या जरूरत है? तो उन्होंने सीधा बोला क्या, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप आओगे तो यहाँ जॉब्स क्रिएट होगी। रतन टाटा को गुजरात नहीं मिला था, गुजरात ने रतन टाटा को ढूंढा था, ठीक है ना। कि भाई गुजरात वो अपनी इंडस्ट्री को पश्चिम बंगाल से उठा रहे हो तो कहीं तो लेके जाओगे ना। मैंने पहले ग्रैब कर लिया, एमपी की तरफ से फोन पहुंच जाता तो एमपी आ गए, सीधा फंडा फोन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। कोऑर्डिनल ये टू वे होता है, यानी रिलेशन बिल्डिंग है। जो स्टाफिंग है इट इज अ रिलेशन बिल्डिंग प्रोसेस। आप किसी को अपॉइंट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको उसको सस्टेन कराना, यानी वहाँ रहे, ऐसा एटमॉस्फियर कोऑर्डिनेशन से क्रिएट होता है, यानी सामंजस्य बनाने से आपको प्रॉपर। हाँ अगर वो नहीं बनाओगे तो लोग आएंगे और छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी ये वर्क रेगुलर बना रहेगा ना अपॉइंटमेंट का, और लोग आ रहे हैं कि छोड़ के नहीं जा रहे, इतनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, इसलिए लोग छोड़ेंगे। ये ठीक है, शांत बोलो, ये बेकार चम्मच मिलेगी, चम्मच सर दो चम्मच, क्या करोगे तुम? रुकना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चम्मच आया करना है, तालमेल बैठा तो है, मतलब।